हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों, अभी है मॉर्निंग का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड स्कूल चले गए और अभी फ़िलहाल मैं रख रही हूँ गाजर और चुकंदर का जूस निकाल के। मैं इसको पीती हूँ 12:30 बजे, क्योंकि आज मैंने रेमेडी लगानी है तो मैं सुबह निकाल के रख लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं बनाऊँगी रेमेडीज़ अपने सर पे अप्लाई करूँगी। और आज मैं बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उससे ना बहुत जल्दी आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होगी। तो चलो पहले अपने जूस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा रेमेडी बनाने से पहले मैं अपना गाजर और चुकंदर का जूस निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसी मिक्सी में प्याज भी ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने गाजर और चुकंदर को अच्छे से धो के फिर काटा एंड देन फिर मैंने एक गिलास छोटा गिलास पानी का मिला दिया इसमें, क्योंकि वैसे ग्राइंड होंगे नहीं, पानी का मिला दिया, फिर अच्छे से ग्राइंड हो गए। एंड आज मैंने सोचा ना थोड़ी सी थोड़ा सा जूस मैं बिना छाने पीऊँगी और बाकी को मैं छान लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा रख लिया निकाल के अपने लिए और बाकी को मैंने छान के रख दिया था गिलास में, क्योंकि इसको मैं पीऊंगी 12:30 बजे के करीब, यानी कि लंच से पहले, एक घंटा पहले। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी रेमेडी बनाने के लिए। आज मैं सिर्फ प्याज और मेथी की रेमेडी बनाऊंगी और कुछ ऐड नहीं करूंगी इसमें। मैंने सोचा अब सबके पास तो हिबिस्कस के पत्ते और फूल तो नहीं हो सकते ना, तो प्याज और मेथी तो सबके घर में होगी ना, तो इससे भी आप अपने बालों का झड़ना ना बहुत आसानी से कम कर सकते हो। एंड सच में दोस्तों, मुझे तो सब पूछते हैं यार आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, फिर मैंने कहा झड़ते भी नहीं, क्योंकि मैंने इन्हीं रेमेडी को लगा के ना अपने बालों का झड़ना कम कर लिया है और झड़ते भी नहीं है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो मैंने इधर प्याज को ना पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था एंड देन फिर मैंने लोहे की कढ़ाई रखी, इसमें मैं पानी डालूंगी और पानी में मैं ना मेथी ऐड कर दूंगी। मैंने मेथी को ना पीस के रखा हुआ है, क्योंकि मैं एक डिब्बा मेथी का पीस के रख लेती हूँ, थोड़ा सा भूनती हूँ फिर पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं मेथी खाने में भी लेती हूँ, लगाने में भी लेती हूँ, ये दोनों में फ़ायदा करती हैं। एंड देन फिर उधर मेरा प्याज भी अच्छे से ग्राइंड हो गया था, तो मैंने इधर मेथी वाले पानी में अपना प्याज भी डाल दिया। फिर मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी, आधा होने पे ना मैं अपने सर पे अप्लाई करूँगी। धूप निकली हुई है सब जगह पे, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है और तो दोस्तों, रेमेडी लगाने के लिए मैं आ गई थी छत के ऊपर। मैंने सोचा मैं उधर लगाती हूँ, क्योंकि नीचे भी गिरती है ना, तो मैं सोच रही हूँ फर्श क्यों गंदा करना है, तो मैं छत के ऊपर ही लगाती हूँ। तो मैं छत के ऊपर आ गई थी दोस्तों एंड देन फिर मैंने सोचा यार मैं छत भी क्यों गंदा करना, तो मैं बालों को थोड़ा नीचे कर देती हूँ रेलिंग के नीचे, तो नीचे गिरेगी रेमेडी। तो इस तरह से चलता रहता है यार। तो मैंने ना इस रेमेडी को अच्छे से अपने सर पर अप्लाई कर लिया, स्कैल्प तक पूरी लेंथ तक अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने एंड देन फिर मैंने इसको अच्छे से सर को बांध लिया, यानी कि ना मैं बालों को पूरा गीला कर लेती हूँ, पूरे लेंथ तक, स्कैल्प तक अच्छे से लगा लेती हूँ, रचा रचा के लगाती हूँ। फिर मैं इसको 1-2 घंटे की रेस्ट देती हूँ, फिर मैं अपना सर धो लेती हूँ। बट इधर मैं देख रही थी यार छत के ऊपर ना, क्या बोल रही मैं, छत के ऊपर बांस के पत्ते बहुत गिरते हैं, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत बांस है, तो मैंने बांस के पत्ते उठा के नीचे फेंके। हेलो दोस्तों, मैंने सर धो लिया था एंड जैसे मैं नहाई और मुझे आ गया पार्सल वाले का फोन। ये मोस्ट अवेटेड पार्सल है मेरा, ये बड़ा ही ट्रेंडिंग सूट चला हुआ है आज तो, सब इंस्टाग्राम में देखो, फेसबुक में देखो, बड़े खरीद रहे हैं। बट मैंने सोचा यार मैं भी एक खरीद के देखती हूँ कैसा लगता है। तो दोस्तों, अब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, जेन्युइन रिव्यू, या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों का लिया है, क्योंकि बड़ा ही चला है यार ये सूट ना, बड़ा ही चला है, बड़े खरीद रहे हैं, बड़ा देखा मैंने इंस्टाग्राम में और इधर। साइज मैंने स्मॉल मंगवाया हुआ है, क्योंकि पता नहीं यार हो जाएगा मेरे को, नहीं स्मॉल साइज मंगवाया हुआ है मैंने दोस्तों। ये बड़ा ही ट्रेंडिंग में चला हुआ है सूट आजकल ना, तो ये तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सीधा पहन के मिलती हूँ, ठीक है दोस्तों, वेट। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये मैं पहन के आ गई हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सूट है यार, सीरियसली। मतलब ना मैंने इसकी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुत ऐड देखी, बट मैंने वहां से नहीं खरीदा। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो ऐड आते हैं ना, उनसे मैं नहीं खरीदती कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे उनको ना उधर ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, क्योंकि एक बार मैंने मंगवाया था तो फेक प्रोडक्ट आया था। बट मैंने ये लिया है मीशो से और ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल था, बट फ्लिपकार्ट में इसकी कॉस्ट ज्यादा है। बट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा ये सूट लग रहा है, ये इस तरह का है कुछ,
बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ये सूट है एंड मैं इसका काफी टाइम से वेट कर रही थी कि यार ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो बहुत ही प्यारा आया, बिल्कुल मेरी फिटिंग का आया। मेरे को कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता था ना कि मेरे को मतलब जैसे प्लाजो बड़ा आ गया, प्लाजो छोटा करना पड़ता था, ये बिल्कुल परफेक्ट सूट मुझे आया है और अब मेरा साइज है स्मॉल। जी हाँ, मैं और पतली हो गई हूँ और मेरा साइज अब स्मॉल हो गया है, तो स्मॉल साइज मेरे को परफेक्ट फिटिंग आई इसकी, क्योंकि ना मैं कुछ दिनों से मीडियम मंगवा रही थी तो मीडियम मेरे को खुला हो रहा था, बट मैंने स्मॉल मंगवाया एंड इसकी परफेक्ट फिटिंग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ये सूट है और ये मैंने मीशो से लिया है। देख लो, इसकी चुन्नी भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी अमेजिंग इसकी चुन्नी है और पूरे सूट में इसकी कढ़ाई है, सारे सूट में इसकी कढ़ाई है। इसमें एक था ग्रीन कलर, पिंक कलर और थोड़ा नीवी ब्लू टाइप का कलर भी था, बट मैंने व्हाइट लिया, मुझे व्हाइट कलर जो है ना बहुत ही ग्रेसफुल लगा, तो मैंने ये ले लिया एंड दोस्तों मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी। मैंने ना कब से मंगवाना था, ये कब से मंगवाना था, बट मैं सोच रही थी कि मैं मतलब इसको मीशो में ढूंढती हूँ या फ्लिपकार्ट में, तो जैसे मैंने मीशो में सर्च किया तो ये सूट आ गया एंड मैंने फटाक से इसको खरीद लिया एंड ये बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही प्यारा। सच में यार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है, इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ। कभी कभी ऐसा होता था ना, खुले हो जाते थे, मुझे टाइट करने पड़ते थे या मतलब टाइट हो तो रिटर्न करने पड़ते थे, बट इसका कोई झंझट नहीं है। बहुत ही प्यारा ये सूट आया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है यार। मैं सुबह से डिलीवरी वाले लड़के का वेट कर रही थी, मैं उसको पापा फ़ोन करती कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो आ गया फाइनली और इसके बाजू कुछ इस तरह के हैं। एंड दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के पैसों का खरीदा है एंड ये मेरे को अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह से लेना चाहो तो यार मेरे को वहाँ की इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे भेजते हैं, उनकी रिटर्न पॉलिसी मेरे को पता नहीं है। जैसे मीशो फ्लिपकार्ट मित्र में होता है ना कि आप इजीली रिटर्न कर सकते हो अगर फिटिंग ऊपर नीचे हो जाए तो, बट इसमें कोई झंझट इंस्टाग्राम और फेसबुक की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने वहाँ से खरीदा ये मीशो से एंड ये मेरे को पड़ा 1350 रुपये का, खुद के पैसों को खरीदा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये और बहुत ही प्यारा ये आया है। आखिरकार मैंने भी ट्रेंडिंग सूट खरीद लिया, काफ़ी सारी लड़कियाँ पहन रही थी, नायरा सूट पहन रही थी और इसका तो इतनी ऐड आ रही थी ना इंस्टाग्राम में, इतनी ज़्यादा ऐड आ रही थी, मैंने बोला यार बहुत प्यारा लग रहा है, बट मैं वहाँ से खरीद नहीं सकती इंस्टाग्राम से, तो मैंने मीशो से खरीदा ये, बहुत ही प्यारा दोस्तों, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सूट है ये, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको, जितना बोलूँगी उतना कम है, इतना ज़्यादा ये अमेजिंग सूट है, परफेक्ट। और इसका प्लाजो, ये प्लाजो है और पता है देखो ये इसकी शर्ट है, शर्ट के अंदर इसके इनर लगी हुई है, ये नहीं कि आपको कोई मतलब ऐसा नहीं पहन सकते आप, ट्रांसपेरेंट पे इनर लगी हुई है और इसके प्लाजो में भी इनर है, अंदर कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही प्यारा है ये, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। लिंक चाहिए होगा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको ना, फ्लिपकार्ट की इंस्टाग्राम की और फेसबुक की बजाय अगर आप मीशो से लोगे ना वो चीज़ तो आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिलेगी और बहुत सस्ते रेट में मिलेगी, और ये नहीं है कि कपड़ा कोई ऊपर नीचे, कपड़ा भी बहुत ही परफेक्ट इसका कपड़ा है, अमेजिंग। ये देख लो आप अच्छे से, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है मुझे, बहुत ही प्यारा ये सूट आया दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा ये, बहुत यार अब चीज़ आ जाए ना जो आपको बिल्कुल फिटिंग की हो और आपकी पसंद की आ जाए ना, तो दिल बन जाता है कि नहीं यार अब मैं खुश हूँ वाकई में। तो दोस्तों आप मेरे को जरूर बताना आपको मेरा ये सूट कैसा लगा और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा,